गाजरें काट ली है, मसाला गाजर की रेसिपी बना रहे हैं, और इसके साथ एक और चीज़ भी है जो मरीजों के लिए अहम है, और ये मिसाले जात जो है ना, अभी मटर जोड़ रहे हैं, दोनों बहनें लगी हुई हैं। हाँ जी, मरीजों के लिए आज बना रहे हैं खीर जी। ऊपर पानी जो है चार दे, जब पानी उबलेगा तो इसमें ना चावल धो के डाल देंगे। ये देखिए ये चावल रखे हुए हैं, ये है चावल भी आ चुके हैं, और इसमें दूध वगैरह भी डालेंगे। खीर बना रहे हैं ना? हाँ जी। कैसे, पानी वाला भात? नहीं, जो खीर नहीं बनती है वो दूध में ही बनती है कि ऐसे ही बनती है? खीर तो होता नहीं है, कहाँ से डालेंगे? पता नहीं ऐसे बनेगी, पता नहीं कैसे बनेगी। वो चाय बनानी होती है, फिर चाय के लिए भी मुश्किल से दूध मिलता है, और आप खीर में डालोगे? पता नहीं, पानी वाले ही बनाएंगे मुझे ऐसा लगता है। चीनी वाला भात मीठा, पानी वाला जी। पतला भात जो है ना मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, सब लोग मरीज हैं तो नरम गिजा है ये। हाँ जी। और जो रोटी खाना चाहेगा वो रोटी खाएगा, जो भात खाना चाहेगा भात भी बना रहे हैं। जिसका दिल करेगा वही चीज खा लेंगे। ये पूरे आधा किलो से ये निकले हैं बस? हाँ बस इतने से है। वो ऐसे होते हैं, देखिए ये कहाँ चला गया, ये देखिए खाली होते हैं सारे। हाँ जी। और वो गाजर में ना नमक मिर्च तेज डालना चाहिए, क्योंकि वो मीठी होती है। वो मिर्चें कुछ ज्यादा ही डालें तो मैं कहती है मीठी मीठी अच्छी लगती है। नमक चलो पूरा हो, नमक उस दिन ना मैं भूल गई थी, चलो आज नहीं भूलना है ना, सिस्टर आपकी याद दिला देगी। हाँ जी, दिला दूंगी। तबीयत मुझे लगता है आप सही हो चुकी है आप दोनों की। हाँ जी बिल्कुल, यस जी, माशाल्लाह। साकिब को अभी नींद आ रही थी, उसे सुला दिया, जकिया दे रही है उसे झूला, और अम्मी जान तो वैसे सोई हुई है। आप भी जो है ना डॉक्टर के पास ले गए थे, अब वो पता नहीं डॉक्टर ने क्या बताया अम्मी को। दादी भी बैठी हैं, नानी भी बैठी हैं, अबू भी बैठे हैं, पूछते हैं उनसे आखिर डॉक्टर के पास जो ले गए थे क्या बताया, बुखार खड़ा है, कोई और बीमारी है, क्या बताया? बुखार ही है, मौसमी बुखार, और कोई बीमारी? बुखार जा ही नहीं रहा अंदर से। डॉक्टर की तो कोशिश होती है, बाकी अल्लाह पाक करने वाला है। दवाइयाँ और दी हैं उन्होंने, दवाइयाँ दी हैं, इंजेक्शन लगाए हैं, अल्लाह खैर करेगा, कहते तो हैं आज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बस उस वक्त से वापस आई है ना तो फिर सो गई है। बुखार वाला बंदा सोता ही है और क्या करता है, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक होगी इंशाल्लाह। नानी आपकी तबीयत सही हो गई? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह माँ का फायदा। आपकी ठीक है? हम दवाई ठीक दे तो खांड मट्टी खाई बैठी लगे तकली में आका मेरा। हाँ ये चिरिंदा बुखार भाग गया, बुखार कहनी नजला, ये दोगला हम खांग। सुबह सवेरे आपको बुखार था? ये बुखार खांग कनू सर्दी लग गई है, रात दी सर्दी बहुत लग गई है, इतना कि नहीं सबड़ी नहीं भड़क गया, जितना दूध उतरा तरह बोछन पाती पी उंदिया तो गिड्डी पा पुनिया सबड़ा का भड़क भी कहनी मेरी है, डकड़ी लगी पी रहने सारी रात, ये पता लग गया कि ना बुखार है पे बहुत तेरी ना पे खांग कर रात को इतने ठंड होती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है आजकल। अचानक ठंड आ गई ना, खुश्क सर्दी है, बीमार कर रही है, ये धुंधे पड़ी खूब समोग होती है, जो भी है क्यों रुला रही हो? वो कहता है उठा लो। अच्छा वो फरमान भाई, फरमान भाई की तबीयत सही नहीं थी, फिर वहाँ चले गए? मैं तो इधर था ही नहीं, वो चला गया, मुझे पता नहीं। अभी वो वहाँ धक्के खा रहे हैं, पता नहीं किसको ढूंढ रहे हैं। आपकी बात ये मिलती है, माल्टे लेने के चक्कर में ना वो हम बाग में पहुंच गए, बोलते हैं माल्टे लेके जाएंगे, लेके आएंगे, इधर नहीं मिलते माल्टे, उधर ही मिलते हैं। नहीं वो बाग में खड़े होते हैं ना लेबर, वो मुफ्त मिल जाते हैं, इधर पैसों से मिलते हैं ना। वैसे मिलने गए हैं वो अपने लड़के खड़े हैं, वो हमसे मिलने के लिए गए। माल्टे तो हर जगह मिल जाते हैं, लाजमी नहीं है उधर माल्टे लेने।
नहीं हम मुफ्त वाला माल खाते हैं ना, मैंने उन्हें बोला माल्टा लेके कौन इधर रोज रोज कहते हो उन्हें रोज पे देते हो कहा आपने पहले चले गए थे ना, पहले तो वो वैसे ही मिलने के लिए गए थे, दोस्त हैं उनके खड़े हैं भाई हैं उनसे मिलने गए, आपने कहा माल्टा लेके आना, फिर वो दूसरी जगह जाना पड़ा जहाँ माल्टे होते हैं, वो उनका अपना जहन है वो तो जा रहे थे, मैंने फिर बोला चलो, मैंने कहा जा तो रहे हैं फिर कुछ लेके वो खुद ही ढूंढ रहे हैं ना जो दोस्त वगैरह है ना, शाम होने वाली है अभी ढूंढ रहे हैं कब उनसे जाकर मिलेंगे फिर कब वापस आएंगे, उनको सोचना चाहिए तो शाम हो रही है घर वापस जाएंगे। चलो अम्मी आप सुने जिस टाइम वो आएंगे आ जाएंगे, अम्मी मुझे लगता है बोलते भी नहीं अभी, अभी उसे तंग ना करो दवाई पी के अभी सही है, तंग मैं कौन सा लड़ रहा हूँ उनके साथ, उधर खड़े हैं उधर मुंह करके आपको कैसे बताए धीरे धीरे, चलो पोस्ट तो लिया वैसे उनको तंग नहीं करना ना, चावल धो रही है लगता है डालने का टाइम हो चुका है, हाँ जी पानी उबल रहा है अब चावल धो रही हो, चावल डालने हैं, सालन कौन बना रहा है, वो आप ही जी बना रही है कौसर, हाँ जी, और आपने चावल बनाने हैं बना लेती हो, हाँ जी बना लेती हूँ, चलो से पूछती रहूँगी जैसे वो बोलेंगी, कौसर को डाल नहीं आता बनाना, वो सालन बना रही है इसलिए, तो उससे पूछते रहना, जिससे भी पूछूंगी पूछती, अम्मी बीमार हैं बेचारे सो चुके हैं उनको तंग नहीं करते, हाँ देख रहा हूँ आपका काम, इसमें और पानी डालो ये सारा पानी ऊपर से बहने दो, इसका सारा गंद खराब टल जाएगा, मैं कौन सा एक बार डाल रही हूँ, छह बारी दो ना, दस बार दो, और कौशल को देखे सालन भी बना रही है कोशिश कर रही है बनाने की, लेकिन साकिब जो चुप नहीं हो रहा था, उसका दूध अभी मैंने बना के दिया है, दूध भी पिला रही है उसको और सालन भी बना रही है, दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे आप, कर तो रही हूँ ना, इधर आग जलती है ना बच्चे का दूध जा रहा है, उधर दूध भी पी रहा है आग भी जल रहा, वो ना लकड़ी जो है ना वो गीली है, नहीं आटा कम लोना है, उधर से ना वो खीरनी भी बांध रही है और बाकी मेहमान उधर जाएंगे, हाँ आटा बिल्कुल थोड़ा गूंदना है आज, चलो अब उसको दूध है इसलिए आग नहीं जलती, नहीं दूध पिलाती है तो इधर से काम नहीं होता, इधर ध्यान देती है तो वो दूध नहीं पी सकता, अभी इसको दूध पिला रही है, अगर मैं उठा लेता हूँ तो वो चुप नहीं होता, हाँ बस वो मम्मा की गोद में सुकून है उसे, ठीक है कपड़ा बांधो, ज़किया पता नहीं क्यों आई है इधर लड़ने, मैंने बोला कि वो लहसुन के ना ऊपर छिलके होता है ना वही उतार रही थी, नहीं नहीं ये लड़ाई करना है ये आपसे, लड़ रही हो, नहीं मुझे मिली है शिकायत अभी, बोलता है ये ज़किया झगड़ा करती है, इधर से जाओ पूछवाओ, दूध लेने जा रही हूँ, साचरी ये लड़ाई करती है ना आपसे, नहीं अभी भी मैंने देखा धमकी दे रही थी, ओ भाई पकड़ी गई ना, चल के उतार रहे थे लहसुन वाले, काम भी करवा रही हो, फिर तो आप अच्छे खासे समझदार हो हैं, अच्छा आपकी तबीयत का क्या बना, ठीक हो गई, बुखार चला गया, इंजेक्शन लगवाए थे कल, आज दवाई लेने गई थी, रात से ही बुखार छोड़ गया, चलो माशाल्लाह, हाँ रो रहा है ना, ये ना नींद की वजह से रोता है, फिर सुलाते हैं फिर सोता है ना, अम्मी आप उठा के दूध पिलाएं इसे,
खा कर दो। हाँ आपका देखचा बन गया। हाँ जी तैयार हो गया, आप खाने की देर है। तले वे लगा दिया? अभी नहीं बना। घी उसमें डालोगे? घी उसमें डालूंगी। दूध? क्योंकि दूध थोड़ा था इसलिए वो चिपक गया। वो भात बन गया, नरम हुआ। आपने वही डाल दिया। इसको ना पतला पतला बनाना होता है। वो अभी नहीं डालना था ना, एक साथ डालना था। आपने वो थोड़ा सा पहले डाल दिया और डाल दिया, नीचे वाला छिप गया। नहीं कुछ नहीं होता। अच्छा बस उसके देशाना वो संभाले। और रिजवाना जो है ना अपना आटा गूंद रही है। सिर्फ अपना गूंद रही है ना? हाँ जी। मुझे भी दो रोटियां चाहिए। अच्छा एक बात बताऊं, सुबह सवेरे मैं चला गया, नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। अभी घर आया तो पूछा रोटी है नहीं, ऐसे ही फिर रहा हूँ मैं सुबह से। खाने की कुछ नहीं है। रोटी रखी थी, मुझे बताती मैं कुछ ढूंढ के खा लेता। क्या रखे बैठे? मैं आया इससे पूछा, बोलती है नहीं अबू ने भी नहीं खाया, आप भी ऐसे। मैंने कहा शायद रोटी खत्म हो गई होगी, कुछ बना लेता मैं आप। चलो अभी तो ताजी रोटी बनेगी फिर। माशाल्लाह मेहमान भी पहुंच चुके हैं। आज मेहमानों की आमद थी, मामू असलम वाले बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामुद्दीन क्या हाल है? आपका दोस्त आते ही खेल। क्या हाल है इस्लामुद्दीन? मैं देख रहा हूँ गाड़ी में अभी बैठा था, कहता मुझे उतारो मैं वो खेल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त। तबीयत कैसी है? तबीयत बस थोड़ी ऊपर नीचे। आप सुनाओ बख्तावर, ठीक हो? माशाल्लाह हमने वीडियो देखी, उसमें तो नहीं आप रवाना हुए। हमने कहा शायद ऐसे ही थंबनेल लगा दिया बस। मैंने सोचा थंबनेल लगा हुआ है, वो आ रहे हैं, वो ऐसे नहीं लगाते थंबनेल। अब वो मानते ही नहीं थे। बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? और नहीं तो क्या, सदियां तो गुजर गई है ना। मेरा पोत्र आ गया, मेरा पोत्र, मेरा यो पोत्र यो सोना आ गया। मेरा इस्लामुद्दीन खान जवान पठान, मेरे के तो मरती का ध्यान में मेरे के खान वो बक्तावर भाई। बाकी सब खेलने में लग गए हैं। सलाम नहीं किया, इधर आओ। आदिया मारिया साथ मत करो, सलाम करो। आजा ओ मरियम, आजा बेबी इधर है। कैसी हो? आ गया तू क्या फिगर तो कूल क्या तो क्या तारी शाम है? नहीं छुट्टियां नहीं है, हम लोग पूरी तरह छुट्टियाँ तो सब इलाकों में हो गई है। आपके स्कूल में क्यों नहीं?
बेकार टीचर हैं। टीचर का गिला नहीं करते, वो उस्ताद होती हैं। अच्छा ये वीडियो देखती हैं। वो इस्लामाबाद तो फंस गया। टीचर बेकार नहीं है, आप बेकार हो। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह गुड। अच्छा सारे ठीक? सब ठीक, बस कुछ बंदे सोए हैं, कुछ ठीक। अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। बेबी ठीक है? बेबी रोन क्यों रहा है? अरे उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई ली है। ये क्या है, बुखार है? बेबी को भी बुखार है। मौसम कुछ ऐसी है, यहाँ पर जो सब लोग जमा है माशाल्लाह, खाना पीना कर रहे हैं और अभी पूछते हैं सबसे किस किस ने खा लिया, किसने नहीं खाया। अभी खाला जान है, खा लिया रोटी? आपने भी खा लिया? मैंने अच्छा ये सीट जो है ना, ये क्लियर है, इन्होंने खा ली। दादी आप नहीं है? नानी ने सुना नहीं मेरी बात? माँ नहीं सुना मेरी, इस पास है। अच्छा वो आपको ज्यादा अजीज है, मैं इधर सवाल कर रहा हूँ। ये भी तो अजीज है ना आपको? हम नहीं है आपको? नहीं आपकी नहीं, ये आपको अजीज है, आपको अच्छा। दादी आप सुनाओ कोई कवाली शवाली डोला। दादी भी नहीं सुन रही, चलो आप है बस, ये भी नहीं सुनता कोई नहीं सुन रहा है। देखे मरीजों के भी बोलने लगता है, उसको खांसी शुरू हो जाती है। अब खुद तो नहीं बोलते, हमें भी नहीं बोलने देते। उनका शोर ही मचा देते हैं। आपने खा लिया? अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया। मुझे तो नहीं बताया, मैं भी खा लेता। बोलता है सुन लो तो सही, बोलता है मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी खा लेता। तो भाई आपका घर है, आप ऐसे ही आ जाते ना, बैठ जाते फिर खा लेते, हमें क्या पता आप रह गए हैं। नहीं मैं समझा अभी किसी ने नहीं खाया, मैं इसलिए आया था यहाँ पर। आप तो सब हजम भी कर चुके हैं। पूछने आया अभी किसी ने खाना खाना है तो साथ मैं भी बैठ जाऊंगा। चलो कल मेरा बेटा बिजी हो गया है माशाल्लाह, जब से साके पैदा हुआ ना बहुत बिजी रहता है मेरा बेटा माशाल्लाह। अच्छी बात है। हाँ बिजी, बड़ा बिजी है ना, रोटी खाने का भी टाइम नहीं मिलता। बस आज का दिन नहीं खाया, सवेरे नाश्ता भी नहीं किया था मैंने। सुबह तो नाश्ता मैंने भी नहीं किया था। रो मत। अच्छा पता है क्या, खाना तो हमने खा लिया है, आप रह गए हैं। आप ऐसा करें इधर हमारे साथ बैठे, अभी चाय बनने वाली है, चाय से भी ना कर रहा हूं। चाय सिर्फ? हाँ चाय साथ, साफ जाहिर है आप जब हमने खाना खा लिया है तो चाय ही। मैं समझा कुछ और मंगवा रहे हैं मेरे लिए सारी चाय। इधर नजदीक कोई होटल वगैरह तो है नहीं? नहीं तो मंगवा लेते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वो बच्चा तरक्की होगी शायद। हाँ इधर बैठ जाए तब तक वो भी खत्म हो जाती है। वो भात बनाया था वो देखो, देखते हैं उसमें हाथ साथ मरो साथ की चीज पड़ी है। नहीं मेरा ऐसा रखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत है। मैंने जरा काम से गया था इस वजह से नहीं खा पाया। आप सुनाए तबीयत सेहत का हाल दें। मैं तो बस खाने पे टूट पड़ा, पूछा भी नहीं। क्या आपको भूख लगी हुई है ना, पहले आप खाना खा लें। मैंने वो माल्टे उठाए हुए हैं अपने। अच्छा पहले माल्टे खाऊं करके जेब में रखे हुए हैं एडवांस में। फरमान भाई मैंने क्या बोला था आपको? कहता माल्टे कहाँ है जो लेके आए, मैंने कहा रखे हैं। नहीं उससे पहले काल पे जब मैंने बोला था, काल पे कहता है बाल पे लेके आना, आप भी बाघ वालों को ढूंढ रहे हैं। वैसे तो बाघ हमारे सामने बहुत है लेकिन हमारे बस में नहीं था, जाकर तोड़ सके। हाँ वो पाबंदी होती है ना। हाँ।
अब वो बोल रहे थे उनको वापस बुला लो, मैंने कहा नहीं माल्टे लेके आएंगे तो घर आएंगे। शाम हो रही थी, मुझे कह रहा है अभी वो ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा शाम तो हो गई ढूंढ रहे हैं, कब उनके पास जाएंगे। पहुंचे हुए थे बस 1 किलोमीटर दूरी पर खड़े थे अभी, रात हो रहा था। कौन सी जगह है ये पता, उसी जगह पे गए थे या और है? उसी जगह पे, बिल्कुल सेम। हाँ वो तो हम गए थे उस दिन। मैं इसलिए कह रहा था कि रात को जब आपने तुम्हारी हालत हुई थी ना जी, इसी वजह से मैं डर रहा था कि ऊपर सर्दी हो रही है, शाम हो रही है। नहीं, जी। मैं पूरे पूरा दिन नहीं उतारा। ये टोपा तो पहना हुआ है बड़ा लेडीज वाला। यार मर्दानों वाले ले लेते ना। लेडीज वाला नहीं है ये, मर्दों वाला भी है, जैसे मफलर होता है ना, मतलब सर पे बांध लेता है पगड़ी, ऐसा ही डिजाइन है। ये दोनों भी पहन सकते हैं, लेडीज भी पहन सकती है। और है जो मैं रात ले आया था वो किधर है? यही तो है। नहीं यार वो उसका ना कलर और था थोड़ा। नहीं है बस ये नीचे से तुमने देखा होगा, नीचे वाला कलर और है, ऊपर वाला कुछ होगा। चलो ये तो मैं लगे इसके लिए लाया था, बस यही अब मैंने पहना हुआ है। सर्दी से बचा रहा है ना, चाहे लेडीज वाला हो या दूसरा हो, सर्दी से बच। हमने क्या करा, हमने भाई सर्दी से बच बोला कॉलेज को बोला। हाँ ये देखो भी हमने नहीं पहना, ये लेडीज वाला है तो सर्दी में मर जाए। मुझे सर्दी लगती ही नहीं है। ये करो कि सर्दी से बचो, जो चाहे पहन लो, पजामा आ जाए, कुर्ता आ जाए। अभी बुखार सुखार तो नहीं है मियाँ? छोड़ गया, जब ज्यादा चीज देख ले तो दांत से खाते हैं। खा लिए फिर। इधर एक माल्टा तोड़ता था, इधर एक फलका तोड़ता था। मैं साथ एक फलका बचा हुआ था उस बाग में। इधर से एक माल्टा तोड़ता था, वो खा के इधर से एक फलका। नहीं आप भी तो साथ गए थे, आपने नहीं खाया। मैंने एक फलका खाया है बस। चलो वो बातें छोड़े, आपने हमारी फैमिली का हाल अहवाल पूछा, देख भी लिया उनके चेहरे। आते हुए हमने पूछ लिया था सारा कुछ। बेबी रो रहा था तब भी पूछा था, बेबी क्यों रो रहा है? बीमार है ना, सब पता चल गया। बार बार पूछ रहा है कौशल का हाल पूछा है आपने? हाँ कौशल वो भी बीमार हो गई थी। सबका चलो जो भी समझे हैं, बीमार जो भी बीमार हैं, जो ठीक हैं, सबका हाल बात की बात है। बाकी अगर आप चाहते हैं तो काफी पेंशन मुझे दे दो सबके नाम लेकर। कैसे कैसे पूछा है? ऐसे ये सवाल पूछे हैं, ऐसे ये हाल है हाल पूछा है, सारा कुछ आपको पर्ची बना के दे देता हूँ। नहीं मैंने कहा शायद बीमार है ना, मैं बता दो। नहीं नहीं सबसे मिले हैं और आपके लिए हम दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक जल्द शिफा दे सबको। आमीन आमीन। और हमें भी बचाए ऐसी बीमारियों से, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सबको सेहत दे, किसी को बीमार ना करे, जो बीमार है उनको शिफा दे। आमीन। देखने वालों ने भी जरूर दुआ करनी है। दादी को अल्लाह पाक जल्दी सेहत दे, दादी ने घर जाना है। आज उसके साथ धोखा हो गया। वो क्यों? ये कल से जूते पहन रही थी, जुराबे पहन रही थी, मैं घर जा रही हूँ, कल भी नहीं गई, आज फिर वो फरमान और सैदुल्ला चले गए, उसको गाड़ी छोड़ गए, फिर लेके नहीं गए यार आप उसे। वो पता है क्या है, अहमद भाई के साथ गाड़ी पर निकली है ना, अभी पहुंची। अच्छा वो दो नहरे क्रॉस कर रहे हैं अभी। अभी उस तक वो जो जो चौक थे ना वो हम नहीं बता सकते, हमें भूल गए। नहीं भूले नहीं है, हम बताने ही नहीं चाहते। पता नहीं किस चौक में पहुंचे हैं अभी। चलो कल का क्या प्लान है फिर, कल जाना है आपने? नहीं हमने साफ बात की है, हमने छोड़ने नहीं जाना, आप बस पे चले जाओ। अब बोला भी चले जाओ, मैं उठा कैसी मोड़ दे पूजा, अब तो मैं पूरा पहुंच जाऊं ना, फिर मैं कोई समझा दे। फिर आपके बेटे हैं नहीं दो वहाँ पर, शेर खड़े हैं, शेर खड़े हैं, एक ओ जैसे तकिया खड़ा है, एक घर फिर से जैसा, ये जैसे खत्म छोड़ डाले, खत्म नहीं होते। जहाँ रहते हैं उनके इलाके का नाम है यार छोड़ वाला। फिर बोलते हैं जागर पीर, तो एक नाम बोले, कभी कोल वाला, कभी छोड़ वाला, कभी जैसा। छोटे वाला नहीं, छोटे वाला बंगला, छोटे वाला बंगला, छोटे वाले बंगले बैठे।
चल नहीं, फैसला आप कर लेना। अबू ने तो सुबह आपको बताया कि आप बस पे चले जाएं, वैसे आपकी मर्जी है, हम तो जाएंगे। सुबह के करीब पहुंचे थे, चाचू की कार आ गई, आप दादी को ना इधर बस पे चढ़ा जाओ, बस आने वाली है। अच्छा, आप पहुंचे उसी टाइम आ गए। तो वो आगे की बात कर रहे हैं ना, वो अस्सी मोड़ कैंची मोड़ उधर से कौन ले जाएगा। नहीं वो बता रहे थे दादी कैंची मोड़ में उतरूंगे, वहाँ से कोटवाला के बसें आते हैं, उसमें बैठ जाओ तो मैं कोटवाला पहुँच सकती हूँ। हाँ तो आसान काम है यार, इतनी ज्यादा बसें नहीं होती यार, दिन में एक या दो गुजरती हैं उधर से, सारा दिन इंतजार करके तो अब क्या हो सकता है। फरमान भाई की तबीयत ठीक है, वो सुबह जाए छोड़ के आए, ऐसे ही हो सकता है। नहीं कितना सफर है उधर, ये कैसी बात हुई, बसों वाले उठाते नहीं है।